हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेजी जीटीआर। दिस साइड रोहित शर्मा। तो बहुत टाइम बाद हमने वीडियो बना रहे हैं, कुछ टाइम नहीं मिला था, सारे अपने अपने कामों में बिजी थे। तो हम आए इस टाइम अपनी वेन्यू की सेकंड सर्विस कराने की। गाड़ी चल चुकी है पूरी एग्जैक्टली 10,000 किलोमीटर। अब देखते हैं यहाँ पे कितना हमारा खर्चा आएगा, क्या क्या चीज़ें चेंज करेंगे। सर्विस कॉस्ट फ्री है इतना हमें पता है, पर पार्ट्स अभी नहीं पता कि क्या क्या इनको चेंज करने हैं अंदर जाके, वो हमें अंदर जाके पता चलेगा इस टाइम। और हमने गाड़ी की सर्विस मतलब सुबह सुब उठते ही आ गए थे 9 बजे यहाँ पे, और देखा तब भी 3-4 गाड़ियाँ आगे थी, पर हमने बोला हमें वॉशिंग नहीं करवानी भाई, जल्दी करा दे। तो उसने हमारा पहला नंबर लगा के गाड़ी अंदर ले ली है। बाकी आप चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती है अंदर के शॉर्ट्स, आपको कुछ दिखाते हैं। तो भाई चारों टायर निकल चुके हैं गाड़ियों के, नहीं गाड़ी का काम हो रहा है अपनी। इतने हमारे आगे ये देखो, ये हमसे आगे गाड़ियां थी जो वॉशिंग में थी, हमने वॉशिंग नहीं करवाई, इसलिए हमारी गाड़ी सीधे सर्विस पे आ गई है अंदर। तो अब आपको और दिखा देते हैं यहाँ पे कितनी गाड़ियां लाइन से लगी हुई हैं। देखो सुबह सुबह टाइम से आने का भाई बहुत फ़ायदा है, वरना तुम्हें ऐसी लंबी लाइन देखने को मिलेगी। ये देखो कहाँ तक पीछे तक लाइन लगी हुई है सर्विस की। मैं देखो एक कमाल की गाड़ी दिखाता हूँ, होंडा वरना जो पहला मॉडल था, इसके एग्जॉस्ट भी चेंज हुए हुए हैं, इसके एलॉय देखो इतने बेहतरीन एलॉय डलवा रखे हैं भाई ने। पर अब एक और चीज़ ये देखो गाड़ी की हालत, अगर तुम ढंग से सेफ ड्राइव नहीं करोगे भाई तो गाड़ी की यही हालत होगी। अभी मैं भैया से बात ही कर रहा था इस गाड़ी के बारे में, भैया ने बताया एक गाड़ी थी वरना का टॉप मॉडल जो कि 18-19 लाख का आता है, और उसमें भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 16 लाख रुपए लगे, एक बार 9 लाख रुपए लगे, पर भाई ने वही गाड़ी बना के रखी है। तो फिर भी SX मॉडल, इसका ज़्यादा कुछ नहीं है तो ठीक हो जाएगी। पर भाइयों फिर भी मैं कहूँगा अपनी सेफ ड्राइव करो और बस सेफ ही ड्राइव करो और इंजॉय करो। ये देखो इंजन ऑयल निकल रहा है गाड़ी का, पूरा काला इंजन ऑयल पड़ा हुआ था इसमें, भैया पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। अब इसमें नया इंजन ऑयल डलेगा, हमने नॉर्मल इंजन ऑयल डलवाया इसके अंदर। तो भाई भैया अपना ऑयल फिल्टर भैया ने सेट कर दिया है, इसमें अभी इंजन ऑयल डालेंगे और ड्रेनर डालेंगे, वो रखा अपना सामान सारा, कर रहे हैं भैया काम। बैलेंसिंग वगैरह हो चुका है, भैया ने एयर फिल्टर लगा रहे हैं, और इसके बाद यानी शायद ड्रेन विंडशील्ड वॉशर हमने लिए हैं, और गाड़ियों के भी ले लेंगे। अभी दिखाऊंगा आपको वीडियो के एंड में कि वो क्या है, उनसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये लग गया एयर फिल्टर अपना और गाड़ी नीचे आ चुकी है। देखो अब भैया नया कुछ और सामान ला रहे हैं, देखते हैं ये क्या है। ये AC का फिल्टर है जो भैया अंदर लगाएंगे जाके। तो भाई ये देखो फिल्टर की हालत, इस टाइम क्या हालत हो रखी है फिल्टर की, पूरा सड़ा पड़ा है, ये पूरा फिल्टर चेंज होगा इसके अंदर। तो भैया अपने काम में लगे पड़े हैं। ये देख लो भाई AC फिल्टर, मक्खी भी बैठी हुई है इसके अंदर, फंसी हुई है बेचारी। ये लद्दाख ले गए थे गाड़ी, और इसकी वजह से उसका हाल देखो क्या हो रखा है, एसी फिल्टर और ऑयल फिल्टर का सबका बुरा हाल था उसका। भाइयों ऑयल डल रहा है गाड़ी में, इंजन ऑयल साफ, पहले तो बिल्कुल काला निकला था इसके अंदर से, भर भर के डल रहा है। कहते 2 लीटर के आसपास इसमें ऑयल डला है, 2-2.5 लीटर। भैया ने मुझे अभी बताया 3.6 लीटर के आसपास इंजन ऑयल इसके अंदर डला है, मैंने गलती से बोल दिया था 2.2 लीटर, 3.6 लीटर इसके अंदर। अब ये चेक करेंगे इसके अंदर कि ऑयल प्रॉपर गया है या नहीं गया, सही है। बैटरी लेवल चेक, पानी का लेवल चेक वगैरह वगैरह बैटरी का,
भाई ये हो रहा है अपनी गाड़ी का अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट करवाना भी गाड़ियों का बहुत ज़रूरी है। इसमें चारों टायरों का एक साथ हो रहा है, तो अलाइनमेंट कराने में एक्चुअली फ़ायदा क्या होता है कि गाड़ी बैलेंस होकर चलती है, मीन्स अलाइनमेंट इधर उधर नहीं भागती, हाई स्पीड पर स्टेबल रहती है गाड़ी, तो अलाइनमेंट कराना भी बहुत ज़रूरी है गाड़ी के लिए। वैसे तो गाड़ी का सारा काम हो चुका है, पर एक दिक्कत हो गई थी, इसके शीशा नीचे नहीं हो रहा, ऊपर नहीं हो रहा था जब अंदर बैठते थे। तो ये एक्चुअली हुआ क्या था, गाड़ी का शीशा किसी ने तोड़ दिया था, वो चोर चकार रहे थे, तुम्हें पता दिल्ली के अंदर कितने हैं, तो उन्होंने शीशा तोड़ा, सामान को निकाला, तो हमने कंपनी से दूसरा शीशा लगाया था, पर वो शीशा ढंग से शायद लगा नहीं या क्या नहीं हुआ, तो ये अब अंदर से बंद नहीं हो रहा था, तो वही चीज़ के लिए भाई ने पूरा खोल रखा है यहाँ पे। अभी दोबारा चेक कर रहे हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं है। भाई अपनी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है, बाहर आ गई है, बस भैया कपड़ा मार रहे हैं यहाँ पे, और अभी आपको सब कुछ बताता हूँ, कितना इसका बिल आया है, कितनी हमें कॉस्ट इसकी एग्जैक्टली पड़ी है, और इन्होंने क्या क्या डाला है, क्या क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाई है, सब कुछ। तो भाई उस सर्विस हो चुकी है अपनी गाड़ी की, और ये आया है टोटल राउंड फिगर 4,180 रुपये। तो इसमें मैं बताता हूँ इन्होंने क्या क्या इसके पार्ट डले हैं, क्या क्या इन्होंने लेबर चार्जेस लगाए हैं। तो सबसे पहले जो कार शैम्पू था वो 10 रुपये के एक थे, हमने 3 ले लिए थे, और इंजन ऑयल जो डाला वो ज़रूरी है, एयर फिल्टर, इंजन एयर फिल्टर और एयर क्लीनर जो इन्होंने पार्ट्स इसके अंदर डाले हैं, और जो इन्होंने चार्जेस लगाए हैं व्हील अलाइनमेंट और क्या कहते हैं एसी डिस्पेक्ट और क्या क्या इन्होंने एक इंजन कुछ लिख रखा है इन्होंने, ड्रेसिंग मीडियम समझ नहीं आ रहा क्या लिख रखा है ये, पर इसके भी इन्होंने 680, 572 और 300 कुछ रुपए लगाए हैं। ये चीज़ अगर अगली बार हम जाएंगे तो ना करवाएं, इसका ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, व्हील अलाइनमेंट हो गया ये, इसमें ऐसा कुछ नहीं करते, तो ये आप अपने यहाँ 1,000 से 1,500 रुपए इस चीज़ के बचा सकते हैं। तो अगर हम ये चीज़ बचाते तो हमारे जैसे ज़्यादा कॉस्ट 2,500 के आसपास इस पूरी सर्विस की, सेकंड सर्विस की आती है। तो एक्स्ट्रा चीज़ें हमने करवा ली है इसके अंदर, या इन्होंने खुद कर दी, हमने बोला भी नहीं था कि व्हील अलाइनमेंट कर दो, ये कर दो, पर ठीक है अब हो गया तो हो गया, बाकी देखते हैं अब नेक्स्ट सर्विस हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।